हमने ये अक्सर सुना है कि हमारे चारों तरफ हर एक चीज बैक्टीरिया से भरी हुई है और इवन जहाँ तक कि हमारी बॉडी में इतने ज्यादा ब्लड सेल्स नहीं है जितने कि इसके ऊपर बैक्टीरियाज रहते हैं। बट वन क्वेश्चन कि अगर इतने सारे बैक्टीरियाज एक ही जगह पर रहते हैं तो क्या जे कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं है? सो द आंसर इज कि बैक्टीरिया के पास दिमाग नहीं होता। तो नो ब्रेन्स मीन्स नो फीलिंग्स एंड नो फाइट ऑब्वियसली। बट फिर भी अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी में कोई भी बैक्टीरिया काम चोरी करता है या फिर काम से पीछे हटता है तो जे उसे सजा जरूर देते हैं। बट तो बैक्टीरियाज अपने जिंदा रहने के लिए कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें कि हम एंजाइम कहते हैं, और ये एंजाइम आगे चलकर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं जिसके बाद बैक्टीरिया इस फूड को कंज्यूम कर खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पर अब जब कॉलोनी में चारों तरफ हर एक बैक्टीरिया इसी काम में जुटा हुआ है और इतना ज्यादा खाना आसपास मौजूद है तो इसी चीज के चलते कुछ बैक्टीरियाज काम चोर हो जाते हैं और अपने जिंदा रहने के लिए दूसरे बैक्टीरिया का प्रोड्यूस किया हुआ खाना चुराने लग जाते हैं। और इसे बैक्टीरिया की कॉलोनी सेंस कर सकती है और इसे रोकने के लिए वो एक्शन भी लेते हैं क्वोरम टेक्निक के चलते। तो अब ये क्वोरम टेक्निक क्या है? तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इस टेक्निक के चलते बैक्टीरिया जब ये सेंस करते हैं कि उनकी कॉलोनी के कुछ मेंबर्स काम नहीं कर रहे हैं तो इसी के चलते वो एंजाइम प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं और इतने हद तक कम कर देते हैं कि कॉलोनी में फूड की कमी होने लग जाती है। और अब इस कमी के चलते हर एक बैक्टीरिया को खुद के जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है और अपना फूड खुद तैयार करना पड़ता है। बट नेचर में हर एक चीज इतनी आसानी से कभी नहीं चल सकती है और इसीलिए कभी कभी कॉलोनी की जो स्ट्रेटेजी बैकफायर भी कर जाती है, क्योंकि कभी कभी जो कॉलोनी अपने एंजाइम प्रोडक्शन को इतना हद तक कम कर देती है कि उसे दोबारा ट्रैक पर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी के चलते फूड की कमी होने की वजह से बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाती है।